भाई जी, साडा पिंड घोड़े नाब जिला संगरूर है। असी 10-12 नौजवान इत्थों जा रहे हाँ, जो कि काले कानून ने, क्योंकि सरकार ने नौकरियां तां पहले ही नहीं दित्तियां। जिवें मेरे ती ला लो, मैं बी ए ते अपना ई टी टी ते बी लेवां, बेरोजगार हाँ, ते उस नाल नाल किसान भी हाँ, क्योंकि नौकरियां दा तां हुण कम सिस्टम बिल्कुल बंद है। ते असी अपनी जमीन ते अपना अन्न पैदा करके अपने बच्चे पढ़ा रहे हाँ ते अपना रोटी खा रहे हाँ। तो जे ये कानून पास हो गए तो साढ़े मूँह चो सरकार ने रोटी भी खो लेनी है। असी किसी पासे दे नहीं रहने हैगे। असी उन्हां कानूनां दे खिलाफ एक जागरूक रैली दे तौर पर पैदल मार्च कर रहे हैं पिंड घोड़े नाब तों, ते तां कि जो लोग रस्ते विच मिलणगे असी उन्हां नूं भी जागरूक करांगे। तो देख के भी लोगों के मन च इच्छा आउंदी है, जिवें कि लोग कह रहे हैं कि 26 जनवरी तो बाद उत्थे इकट्ठ घट गया, इहो जी कोई गल नहीं, लोग लगातार जा रहे ने, वधिया चल रहा प्रोग्राम। असीं भीरे जिहड़े अपने नौजवान ने उन्हां च उत्साह पैदा करना चाहुंदे आ भी बदो बद पहुँचो। जिहड़े लोग ये गल्लां कर रहे ने, गोदी मीडिया दिखा रहा है कि भाई उत्थों जिहड़ा अपना अंदोलन है वह खत्म होता जा रहा, घटता जा रहा है, यही कोई गल नहीं। उत्थे जिस तरह पहला अंदोलन चल रहा थी उस तरह चल रहा है। जिहड़े बंदे 26 जनवरी वास्ते जिहड़ा परेड वास्ते गए सी उही तकरीबन उही लोग वापस आए ने, पूरा अंदोलन अपने सिरां ते है। तो नाल ही असी बेनती करनी चाहवांगे साडे जिहड़े पिंडां दे विच नौजवान जिहड़े हजे तक उत्थे पहुँच नहीं रहे, उन्हां नूं बेनती करांगे कि वधो वध उत्थे पहुँचो। तो नाल ही ये भी कहना चाहवांगे, मामा अपने घरां च मामा कहिंदियां ने कि उत्थे ना जाओ पुत्त, उत्थे लड़ाई हो जू, ये हो जू। जदों अज असीं इकट्ठे हो के एकजुट हो के अपनियां जमीनां बचाउण वास्ते उत्थे जा रहे हाँ, जे अज नहीं आपां जावांगे कल नूं अपने कल्ले कल्ले घर ते आ के अटैक होऊगा। उस टाइम आपां कुछ नहीं, कल्ले रह जाएंगे। अज आपां नूं एकजुट होण दी, सारयां नूं एकता दा नारा लाउण दी, ते सारे ही पंजाब दे नौजवानां नूं मैं ये गल कहना चाहवांगा कि वधो वध वीरे उत्थे पहुँचो। अज अपनी लोड़ है, नौजवानों की लोड़ है, अपने बजुर्ग ठंड पूरी दी पूरी पोहदे महीने उत्थे बैठे सी, उन्होंने पूरी ठंड अपने पिंडियां ते हंडाई है। अज नौजवानों नूं एकता दा सूत देण दी लोड़ है कि वीरे सारे उत्थे जाके पहुँचो तां कि आपां इस अंदोलन नूं नेपरे चाढ़ सकीए। असीं भाई जी पिंड घोड़े नाब तों जा रहे हां, काले कानून जो भी पास किए ने, जो कि सरकार ने, असीं उन्हां नूं रद्द कराने बारे वीरे पैदल मार्च कर रहे हैं, तां कि जो कि लोग कह रहे हैं कि किसान अंदोलन भी खत्म दी तदार ते ला लो, जा जो कह रहे हैं कि भी उत्थों लोग आने शुरू हो गए ने, असीं उन्हां नूं सुनेहा देना चाहुंदे आ पैदल यात्रा करके भी असीं जा रहे हां अज उन्हां नूं इसे इधर जाने जा रहे हैं। यह भीरे तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब है। असी 10-12 मुंडे भीरे पिंड चो जा रहे हैं पिंड घोड़े नाब तो। अज पिंड घोड़े नाब तो जानी साधन भी जा रहा है, नाल नौजवानों ने पैदल मार्च करना, यानी 15-20 नौजवान इकट्ठे होकर बैनर लेके मोढ़ियां दे झंडे ला के पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली वाला, वो जानी उत्साहित करते जा रहे हैं लोगों को। तो गोदी मीडिया की वो गल तोड़न जा रहे हैं जिहड़ी वो कहिंदे वी अंदोलन घट गया उत्थे लोग घट गए, ये गल तो सारी तो वो नौजवानी ने जानी जिद्दां दा ये काले कानूनां विरुद्ध चलिया नौजवानी साडे नाल वड्डी पद्धर ते आई है। कुछ कह रहे सी पता नहीं नौजवानी लखे सधाणे दीप सिद्धू करके है, वो गल नूं सारी नूं धो के ये बच्चों ने यह गल साबित की है भी असीं आपदियां जमीनां वास्ते, आपदियां नौकरियां वास्ते, आपदे रुजगार वास्ते जा रहे हैं। जिहड़े लोगों के थोड़ी बहुत निराशा आई है वो निराशा तोड़ खातर अज वड्डी पद्धर ते जानी नौजवानों ने पैदल मार्च का उद्यम किया जिसे असीं मतलब बहुत धन्यवाद करते हैं नौजवानों का। किस तरह देख रहे हो क्योंकि 26 जनवरी तो बाद जो उत्थे दे हालात है गंभीर हो गए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से कल अच्छी तस्वीर देख रहे आस पास के पिंड है जो देखो जी गल ये भी वो सरकार ने कराया आले दुआले के पिंडां दे नाल असीं विचरदे आंगे। मैं थोड़े दिन तो दिल्ली आया हूँ फिर जा रहा, सानू आले दुआले के लोगों ने कदे कोई शिकायत नहीं की। आले दुआले के लोग तो जी देखे गोदी मीडिया साढ़े तो उत्थे फुल बरसा रहे ने, सानू चाह पानी मतलब केले फलियां होर सौ संतरियां तो लैके सारी खुराक आले दुआले के लोग दे रहे हैं, पर गोदी मीडिया वो बंदयां नूं लिया के जिहड़ा अमित शाह का खास बंदा है, कल आईडी भी उहदी प्रूफ हो गई उहदे घर वाली नगर कौंसल दे विच जित्ती हुई है उत्तों दिल्ली के अमित शाह का नेड़े का बंदा, वो लोगों को किसान कह रहे हैं भी वो किसान ने, जे किसान देखने ने तो देख लैन साडे नाल पिंडां दे विच किसान हैगे ने जिहड़े अज दिल्ली नूं चाले पा रखे ने गे, जानी वड्डी पद्धर ते लोग सगों ये तो मैनूं ऐ लगदा भी सरकार ने पंगा लै लिया, ये जिन्नी क शरारत कराई सी करा ली वो शरारत तो बाद हुण कट होर वध रहा है। जानी अज लहरां दे विचों जे असीं कहीए भी 25-30 साधन जाने ने घट्टो घट, बाकी उत्तों आ नौजवानों ने पैदल मार्च करके जो सोने से सुहागा पैदा करता, जानी धुर हरियाणे नूं ठाल दे जाना, इन्होंने उन्होंने लोगों दस दे जाना भी भरावो आ जाओ हुण टाइम।
ये जिहड़ा हैगा जी नौजवान जिहड़ा अपना गोदी मीडिया वालों प्रचार किया जा रहा है बड़े लैवल ते भी जिहड़ा अंदोलन है वह खेरू खेरू हो गया उत्थों लोग आने शुरू हो गए जदों के बिल्कुल झूठ है। तो बाकी जिहड़ा हैगा जिवें लोग जिहड़े उत्थे कुछ दिनों लई जिवें परेड विच शामिल होने लई गए सी उही लोग वापस आए ने ते इस गल नूं मतलब लोगों च जिहड़ी थोड़ी बहुती जिहड़े ज़्यादातर नैशनल टीवी देखते हैं उन्हां च थोड़ी जी निराशा है वह निराशा नूं दूर करते हुए यह नौजवानों ने फैसला किया 10-12 नौजवान घोड़ेनाथ पिंड तों जिहड़े जा रहे ने ये जाते जाते जिन्ने रस्ते च इन्हां नूं लोग मिलणगे उन्हां नूं मोटीवेशन भी करनगे सुनेहा देणगे भी जिहड़ा अंदोलन है वह अपने पूरे जोरां ते है जिस तरह अंदोलन पहलां सी उस तरह अंदोलन होना है उहदे विच कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं हैगा। तो पिंडां चों जिवें साडे पिंड की वारी मुताबक अज गड्डी जानी है उस भी 40 बंदे जाने ने वह हरेक मतलब 4 दिन बाद गड्डी जाती है 4 दिन बाद बंदे बदल जाते हैं तो वह जिहड़ा शड्यूल है साडा उस तरह जारी है पर लोगों नूं मोटीवेशन करन दे इरादे नाल जिहड़ा नौजवानों ने बहुत सोहना कदम चुके है असी सारे सरपंच साहब वीरवाल जी सारे बहुत इन्हां दे धन्नवाद भी करते हैं तो इन्हां नूं बहुत शाबाशी भी है जिहड़े मतलब इन्ना इन्होंने हलंबा मारिया जिहड़ा 250 किलोमीटर की जिहड़ी यात्रा है पैदल ये करके जाएंगे लगभग 4 दिनों में दिल्ली पहुँचने।